एलिजाबेथ के बचपन का नाम था लिलीबेट। 21 अप्रैल 1926 को जब उनकी पैदाइश हुई तो उनके रानी बनने का ख्याल किसी को दूर दूर तक नहीं था। उनके दादा किंग जॉर्ज पंचम के बाद लाइन में अगला नंबर उनके अंकल का था। जिंदगी किसी साधारण लड़की सी थी, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर अचानक से जिंदगी में एक मोड़ आया। एलिजाबेथ के अंकल एडवर्ड जो राजा बन गए थे, उन्होंने गद्दी छोड़ने का ऐलान किया। उन्हें एक अमेरिकन महिला से प्यार हो गया था। शादी की जिद के चलते एडवर्ड को गद्दी छोड़नी पड़ी। एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज सिक्स्थ राजा बन गए। उस वक्त वो 10 साल की थी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एसोसिएटेड प्रेस ने आर्टिकल में उनका नाम छापा, प्रिंसेस ऑटो मैकेनिक। युद्ध के दौरान ब्रिटेन की राजकुमारी सेना में मैकेनिक का काम कर रही थी। इसी दौर में उनकी मुलाकात भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के भतीजे फिलिप से हुई। प्यार हुआ और साल 1947 में दोनों की शादी हो गई। ब्रिटेन मंदी से गुजर रहा था, हर खर्च में कटौती की जा रही थी। ब्रिटेन की होने वाली महारानी भी इससे महफूज नहीं रही। उनकी शादी का गाउन खरीदने के लिए युद्ध समय पर जारी किए गए कूपन्स का उपयोग किया गया। राजकुमारी के तौर पर एलिजाबेथ बेहद लोकप्रिय थी। उन्हें अच्छे से अच्छा गाउन मिले, इसके लिए ब्रिटेन भर की लड़कियों ने उनके लिए अपने कूपन भेजे। राजकुमारी रहते हुए ही उन्होंने अपनी शाही जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी थी। साल 1952 में जब फिलिप और एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ के दौरे पर थे, केन्या में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता किंग जॉर्ज की मौत हो गई है। एलिजाबेथ महारानी बन गई। मोनार्क बनते वक्त ऑप्शन होता है कि आप अपना रॉयल नेम बदल सकें। एलिजाबेथ ने अपना वही नाम रखने का फैसला किया। इस तरह एलिजाबेथ बन गई क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, क्योंकि उनसे पहले 16वीं सदी में एक और एलिजाबेथ रानी रह चुकी थी। साल 1953 में एलिजाबेथ का राज्यभिषेक हुआ। पहली बार दुनिया ने इस सेरेमनी को लाइव टीवी पर देखा। एलिजाबेथ की महारानी बनने के बाद एक और सवाल खड़ा हुआ, वो ये कि राज परिवार का सरनेम क्या होगा। प्रथा थी कि पत्नी को पति का सरनेम यूज करना होता है। फिलिप ने हाउस ऑफ एडिनबर्ग का नाम सुझाया, क्योंकि उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की पदवी मिली थी, लेकिन उनके अंकल लॉर्ड माउंटबेटन ने सुझाया कि वो माउंटबेटन नाम चुने। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और एलिजाबेथ की दादी क्वीन मैरी चाहते थे कि एलिजाबेथ पुश्तैनी विंसर सरनेम चुने। एलिजाबेथ ने ऐसा ही किया। उनके बच्चों का सरनेम विंसर ही रहा। ये बात प्रिंस फिलिप के लिए बेइज्जती वाली थी। उन्होंने कहा कि वो पूरे ब्रिटेन में एकमात्र आदमी है जो अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दे सकता। ऐसे ही कई और कारण रानी बनने के बाद पति पत्नी के संबंधों में तनाव की वजह बने। ऐसा ही कुछ एलिजाबेथ की बहन के साथ हुआ। वो एक डिवोर्सी से शादी करना चाहती थी, लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड इसके खिलाफ था। एलिजाबेथ मजबूर थी, उन्होंने शादी की इजाजत नहीं दी। ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स का जन्म एलिजाबेथ की शादी के एक साल बाद हुआ था। इसे 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई और 1960 और 1964 में उनके 2 और बेटे हुए। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के देशों का दौरा किया। इनमें वो देश शामिल थे जो पहले ब्रिटिश राज के अंतर्गत आते थे, यानी कॉमनवेल्थ। इसके अलावा 15 ऐसे देश भी थे जहां ब्रिटेन का मोनार्क एम्परर या एम्प्रेस माने जाते रहे हैं। ऐसे देशों में न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। 1961 में उन्होंने पहली बार बतौर ब्रिटेन की महारानी भारत का दौरा किया और गणतंत्र दिवस पर परेड का निरीक्षण भी किया। हालांकि भारत को आज़ाद हुए तब कुछ ही साल हुए थे, ऐसे में तब प्रधानमंत्री नेहरू और एलिजाबेथ को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। बाबा नागार्जुन तब लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। 7 दशक तक महारानी रहते हुए एलिजाबेथ कई विवादों का हिस्सा भी रहीं। अपनी बहू प्रिंसेस डायना के साथ रिश्तों को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। डायना शाही परिवार के मुकाबले काफ़ी आज़ाद विचारों की थी। ब्रिटिश टेब्लॉइड महारानी की उनसे तुलना करते हुए उन्हें पुराने विचारों का बताने लगी थी। इसके अलावा अपने पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के एक इंटरव्यू के बाद भी उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। मेगन मार्कल ने तब शाही परिवार पर नस्ल भेद के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उनके सबसे चहेते बेटे एंड्रयू पर अमेरिकी सेक्स रैकेट सरगना जेफरी एपस्टीन के साथ रिश्तों का आरोप भी लगा। इन सब विवादों के बावजूद अपनी मृत्यु तक रानी एलिजाबेथ ब्रिटिश जनता में लोकप्रिय बनी रहीं। उनके साथ एक बात खास तौर पर जोड़ी जाती है कि उन्होंने ब्रिटिश लोकतंत्र की मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। कभी जाहिर नहीं होने दिया कि उनका राजनीतिक मत क्या है। यहाँ तक कि ब्रेग्जिट को लेकर उनका मत क्या था, इसे लेकर भी कोई संकेत नहीं मिला। ब्रिटिश इतिहासकार रॉबर्ट लेसी के अनुसार इसकी सीख उन्हें अपने शुरुआती दिनों में ही मिल गई थी।
लेसी नेटफ्लिक्स के शो क्राउन के लिए बतौर कंसल्टेंट जुड़े हुए थे। शो का एक सीन है, लंदन कोयला जलाने से होने वाले फॉग से जूझ रहा है, लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, मौतें हो रही हैं, प्रधानमंत्री चर्चिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष एलिजाबेथ से मिलकर कहता है कि चर्चिल को उनके पद से हटा दें। एलिजाबेथ कश्मकश में है, वो अपनी दादी क्वीन मैरी से पूछती हैं। मैरी कहती हैं ऐसा करना ठीक नहीं। एलिजाबेथ पूछती हैं हेड ऑफ स्टेट होते हुए मैं कुछ ना करूं तो फिर मेरा काम क्या है। तब मैरी समझाती हैं कुछ ना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और कुछ ना करने के लिए तुम्हें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तटस्थ रहना इंसान का स्वभाव नहीं है। लोग हमेशा चाहेंगे कि तुम मुस्कुराओ, सहमत हो या गुस्सा करो, लेकिन ऐसा करते ही तुम एक पक्ष में खड़ी हो जाओगी और ये एक चीज़ है जो रानी रहते हुए तुम नहीं कर सकती।